टी विजय राम सिंह टीवीआर तेलंगाना स्टेट सिविल यूनियन के सदर और रजुधीर चौधरी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की क्यादत में टोली चौकी चौक पर बंडी संजय का पुतला चलाने वाले बीआरएस कायदी ने मुतालबा किया है कि बंडी संजय बीजेपी सदर को कविता पर नामुनासिब तबसरा करने पर फौरी गिरफ्तार किया जाए और कविता से बंडी संजय माफी मांगे। बंडी संजय ने जो व्याख्या किया है कल, कविता को अरेस्ट नहीं करे तो क्या प्यार करते बोल के बोला है, कोई एक महिला के बारे में ऐसी हरकत ऐसी बातें करने से उसको कैसे शर्म नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बंडी संजय, अगर तेरे में दम है तो अभी हैदराबाद में फिर के दिखा दो, उसके बाद में हम लोग फिर क्या है, बीआरएस क्या है, तेलंगाना की टीम क्या है, ये हम दिखाएंगे आपको। भारत राष्ट्र समिति सोशल मीडिया कन्वीनर, हिंदी में बोला ना। आज जो बंडी संजय ने एमएलसी कविता जी के ऊपर जो शर्मनाक बातें बोले, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करे सो है, और आज इधर उनका पुतला जला के हमारे जो नाराज़गी एतराज करे। मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी वालों से, अब उन लोग बड़े बड़े बातें बोलते हमेशा, हम ये देश का संस्कृति और इसकी परंपरा को रखवाले हैं हम लोग बोल के बोलने वाले। आज जिस भारत देश में औरतों को देवताओं की दर्जा दी जाती है, ऐसे मौकों पे कविता जी को तुम बंडी संजय जो बात बोले, उतनी शर्मनाक बात और कुछ भी नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहूँगा नरेंद्र मोदी से, क्या यही तरफी दे रहे तुम अपने वालों को, क्या यही चिल्लर बात बोलने के लिए तुम बंडी संजय जैसे गली के लीडरों को तुम बीजेपी प्रेसिडेंट बनाए तेलंगाना के? परसों तक हम देखे गवर्नर के बारे में एक गलत लफ्ज बोले तो एक एमएलसी को नेशनल वुमेन्स कमीशन जो है दिल्ली बुला के उनसे माफ़ी मांगने लगा है। तो मैं पूछना चाहूँगा नेशनल वुमेन कमीशन, क्या बंडी संजय से भी यही माफ़ी मांगने की कार्रवाई करेगी, या भारत के जो केंद्र मंत्री है स्मृति ईरानी वो इसके बारे में अपना एतराज़ इजहार करेंगी? नहीं तो मैं तेलंगाना की बहनों बोलने वाली गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, क्या वो इस बात पे कुछ बात करेंगी? नहीं तो खाली अपने पास आई जब ये बात करके ऐसे ऐसे मौके पर खामोशगी जो उन लोग करते, ये देख के उसके बाद पूरा तेलंगाना ही नहीं पूरा देश बोल रहा है कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बीजेपी से बेटी बचाओ बोल के बोलने का दौरा आ गया। आज वैसे कामा कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग अब बोलते, हमारा जो ये कार्यक्रम हुआ ये इससे शुरुआत है। अगर बंडी संजय माफ़ी नहीं मांग के आइंदा और एक बार ऐसे लफ्ज़ दोहराएंगे तो हैदराबाद की गलियों में भगा भगा के मार के तेलंगाना का जो क्या है, तेलंगाना का जो तहजीब क्या है, वो सब उसको बताएंगे ज़रूर। इससे हम और एक बार बीजेपी वालों को बोल रहे हैं, अपना ज़ुबान संभाल के बात करो।